हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। हम लोग आज का क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स सब्जेक्ट उठा रहे हैं और उसमें का हम लोग उठा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। ओके, इसको हम एसी बोलते हैं शॉर्टकट में। चलिए तो फिर हम लोग जानते हैं पहले अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। देखिए चैप्टर का नाम आपके पास क्या है, चैप्टर नंबर 7 है आपके एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेट करंट, शॉर्टकट में इसको हम लोग एसी बोल सकते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है अपने पास कि हम लोग जो ये करंट के बारे में दसवीं क्लास से इसको जानते आ रहे हैं, तो करंट पहले क्या होता है? करंट बोले तो इलेक्ट्रिक करंट। तो हम जानेंगे पहले कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। दसवीं क्लास से इसके बारे में सुनते आ रहे हैं। दसवीं क्लास में भी अपने पास चैप्टर फिजिक्स बुक में था अपना इसकी कहानी, चैप्टर नंबर 3 में। चलिए उसी बेस पर हम लोग क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन जानते हैं। देखिए बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट में होता क्या है कि चार्ज का फ्लो होता है। क्या होता है? चार्ज का दौड़ना को ही हम लोग क्या कहते हैं, करंट। और चार्ज में अपने पास जो कंडक्टर होता है उसमें जो दौड़ रहा है वह है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे अपने पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो एक सारा बेसिक बोले हम लोग क्या कहेंगे अपने पास, चार्ज के दौड़ने को, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के बहाव को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। मगर पर यूनिट टाइम के हिसाब से, किसी रेट के हिसाब से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। तो इसको अगर डिफाइन किया जाए तो हम बोल सकते हैं अपने पास चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये हो गया आपके पास, एक तरह से बोल सकते हैं इसको, और भी तरीके से इसको बोल सकते हैं हम लोग। इसको रेट के हिसाब से भी बोला जाता है, तो हम बोल सकते हैं द चेंज इन या द रेट ऑफ चेंज इन चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें देखने वाली बात हो गया कि रेट क्या होता है। मान लीजिए कि हम मार्केट में जा रहे हैं तो किसी सामान का रेट पूछते हैं, जैसे आलू हो गया, तो पूछते हैं क्या रेट है आलू का, तो कहता है कि 20 रुपये पर केजी। तो केजी के रेस्पेक्ट में हम उसको बोल रहे हैं उसका रेट कितना होगा, एक केजी का दाम 20 रुपये। उसी तरह से अपने पास यहाँ पे जो रेट है वो अपने पास होता है पर यूनिट टाइम, मतलब अपने पास कि एक टाइम में अपने पास कितना, तो क्या कितना, तो फ्लो, क्या अपने पास, फ्लो ऑफ चार्ज अपने पास, या चेंज इन चार्ज, कितना बदल रहा है चार्ज अपने पास एक सेकेंड में, उसको हम लोग क्या कहते हैं अपने पास, इलेक्ट्रिक करंट। इसके हिसाब से याद रखिए ये हुआ अपने पास, दो तरह से अपने पास डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। चलिए तो फिर हम लोग जानते हैं अपने पास इलेक्ट्रिक करंट का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट कर सकते हैं आई से, बड़का आई छोटका आई, ठीक। तो इट इज डिनोटेड बाई बड़का आई या फिर छोटका आई, ठीक। इसका जो अपने पास फॉर्मूला अगर हम बनाने की कोशिश करें तो इसके हिसाब से या इसके हिसाब से, दोनों अपने पास डेफिनेशन के हिसाब से अपने पास फॉर्मूला ड्राइव होता रहता है। तो इसका जो दसवीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग फॉर्मूला, वो देखिए आई इक्वल टू में होता है क्यू अपॉन में टी। जब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये अपने पास चार्ज नहीं, चेंज इन चार्ज होता है, ठीक। तो इसको हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए लिखा जाए अपने पास, लॉन्ग टाइम के लिए, तो लॉन्ग टाइम के लिए अपने पास चेंज इन चार्ज, बट्टे में जितना समय में चेंज हुआ है वो टाइम। अगर ये टाइम अपने पास चेंज इन टाइम जो है, टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो ये अपने पास यही बन जाता है अपने पास डी क्यू बाई में डीटी। तो अपने पास देखा जाए तो करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू बाई में टी, दसवीं क्लास के हिसाब डायरेक्ट, चेंज इन चार्ज बट्टे में चेंज इन टाइम अपने पास लॉन्ग टाइम के लिए ये हो गया, और ये हो गया अपने पास शॉर्ट टाइम के लिए। तो डायरेक्ट अपने पास ट्वेल्थ क्लास में जो हम बात करेंगे तो आई इक्वल टू में डी क्यू बाई में डीटी के हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग फाइनली अगर बात करें आई का फॉर्मूला तो हो गया डी क्यू अपॉन डीटी। ये डेरिवेशन का फॉर्म होता है, किसका,
सॉरी डिफरेंशिएशन का, किसका डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन हमारे पास मैथ का हिस्सा है, कैलकुलस का हिस्सा है। चार्ज दिया रहेगा आपके पास तो हम लोग टी के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा। जैसे कि बता रहे हैं आपको कि एक क्वेश्चन देते हैं इस पे कैसे बनाना है। सो मान लीजिए कि आपके पास क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5t² प्लस में 6t माइनस में 7। हम कह रहा है कि फाइंड कीजिए अपने पास करंट, इफ क्यू इक्वल टू दिस देन फाइंड आई। तो चूंकि हम जानते हैं अपने पास सिंस आई इक्वल टू में क्या होता है डी क्यू बाई में डी टी, देयर फोर आई इक्वल टू में डिफरेंशिएशन कर देना है हमको क्यू का, तो कितना हो गया है पास टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, और जो अपने पास क्यू का वैल्यू उठा के ले आइए कितना है 5t² प्लस में 60 माइनस में 7। जिसको भी डिफरेंशिएशन आता है वो बहुत ही आसानी तरह से कर सकते हैं, बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं आप। कितना हो गया ये 10t प्लस में 6 प्लस माइनस में 0, 0 भाग गया अपने पास क्या आया 10t प्लस में 6, ये हो गया आपका करंट का वैल्यू। अब जिस इंस्टेंट पे पूछा जाए, जिस टाइम पे पूछा जाए उस टाइम पे आप निकाल सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि एट टी इक्वल टू में 0, तो क्या हो गया हमारे पास टी का वैल्यू 0 पुट कर देंगे इसमें हम लोग, तो 10 × 0 प्लस में 6 कितना आ गया हमारे पास आंसर, ये हो गया 0 प्लस में 6 कितना आ गया 6, इसका होता है यूनिट हमारे पास एम्पियर। उस तरह से अगर हम निकालना चाहें टी इक्वल टू में 2 सेकेंड तो हमारे पास आई कितना हो जाएगा, इसमें पुट कर देंगे हम लोग टी की जगह 2, तो 10 × 2 और प्लस में 6 कितना हो गया हमारे पास 20 प्लस में 6 इक्वल टू में 26 एम्पियर। ये हो गया अगर आपके पास इस तरह से दिया रहा है तब। अब आप लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी निकाल सकते हैं, आप देखिए कैसे निकालते हैं। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो अब हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास अब क्या रहेगा कि Q का वैल्यू दिया हुआ है टाइम के वेरिएबल के फॉर्म में, अब हमको निकालना है कि T1 इक्वल टू अपने पास 1 सेकेंड है और T2 इक्वल टू आपके पास 2 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड के बीच में अपने पास कितना चार्ज फ्लो किया, मतलब कितना करंट हुआ अपने पास, तो हम इसे निकाल सकते हैं अपने पास I इक्वल टू हमारे पास क्या होता है चेंज इन टाइम, चेंज इन चार्ज बट्टे में चेंज इन टाइम, इसको हम ऐसे ले सकते हैं अपने पास Q2 माइनस में Q1 अपॉन T2 माइनस में T1, तो T2 माइनस T1 करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड, ऊपर में Q2, तो यहां से हम लिख सकते हैं अपने पास पहला वैल्यू Q2 का, दूसरा वैल्यू Q1 का, तो 2 निकालना है तो पहले यहां जहां T है हम T2 पुट कर देंगे, कितना है T2 अपने पास 2 सेकेंड है, जहां जहां अपने पास T है पुट करेंगे हम लोग 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 6 × 2 माइनस में 7। Q1 निकालना है तो T1 का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग उसी वाले फॉर्मूला में, तो 5 × 1 का स्क्वायर प्लस 6 × 1 माइनस में 7, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 2 − 1 कितना हो गया 1, ये इतना हो गया 2 × 4 = 20, 6 × 2 = 12 माइनस 7, अपने पास माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, तो 5 × 5 माइनस 5 ये माइनस 6 और प्लस में 7 हो गया, इस 7 से ये 7 गया। अब आगे देखिए क्या होने वाला है, मेरे पास नीचे से 1 भाग जाता है तो ये प्लस में है ये प्लस में है, तो 20 × 12 = 32 और ये इसमें दोनों को माइनस में है, तो 32 में से 11 गया अपने पास हो गया 21 बट्टे में 1, मतलब कि अपने पास 21 एम्पियर आ गया। तो आप दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करके देख सकते हैं अपने पास कि हाँ कैसे निकालना है। सो हाँ, और अगर डायरेक्ट आपके पास क्यू दिया हुआ अपने पास टाइम दिया हुआ डायरेक्ट डिवाइड कर दिया 10वीं क्लास के हिसाब से तो आपके पास वो करंट आ जाएगा। तो ये हुआ अपने पास फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं हम लोग। सो चलिए कुछ और जानते हैं हम लोग करंट के बारे में। तो करंट को हम देख लिए कि आई से करते हैं डिनोट, इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट इसका जो होता है वो होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर, इसको डिनोट करते हैं हम लोग बरकाए से, किसे बरकाए से, और अगर कहा जाए तो एक एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम्ब/सेकेंड, ठीक 1 कूलम्ब/सेकेंड, 1 कूलम्ब होता है अपने पास चार्ज का यूनिट। ऐसा इसलिए हुआ अपने पास क्योंकि अपने पास करंट बराबर क्या होता है चार्ज अपॉन में टाइम, तो इसका अपने पास क्या हो गया, इसका हो गया कूलम्ब, ऐसा क्या हो गया सेकेंड, तो ऊपर में कूलम्ब नीचे में सेकेंड, तो कूलम्ब बाई क्या बन गया पास कूलम्ब बाई सेकेंड बन गया, इसी को हम बोलते हैं कूलम्ब पर सेकेंड। एक एम्पियर का डेफिनेशन पूछा जाता है, हाँ एक एम्पियर का, तो 1 एम्पियर
इसको शॉर्टकट में हम लोग 1A कह सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए कि आपके पास करेंट इक्वल टू अपने पास क्या हो गया Q अपॉन में टाइम, इसको हमको 1 बनाना है। कैसे बनेंगे, चार्ज को अगर हम 1 कूलम लिए और टाइम कितना लिए 1 सेकेंड, तो कितना हो गया हमारे पास 1/1 हो गया कूलम पर सेकेंड, ये हो गया हमारे पास कितना 1 एम्पियर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में पास करा देंगे उसी को कहेंगे 1 एम्पियर। तो क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। और हम नीचे में लिख सकते हैं अपने पास कि हाँ 1 एम्पियर इक्वल कितना हो गया 1 कूलम बाय में 1 सेकेंड। तो ये हो गया आपके पास 1 एम्पियर का डेफिनेशन भी, जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है। तो यहाँ तक जाना है हम लोग करंट के बारे में। ओके, अब जानते हैं कि करंट कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ करंट, करंट 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के। पहला होता है डायरेक्ट करंट, इसको शॉर्टकट में हम लोग डीसी कहते हैं। दूसरा होता है अल्टरनेट करंट या अल्टरनेटिंग करंट। शॉर्टकट में इसको हम लोग एसी कहते हैं। देखिए डायरेक्ट करंट का बोल वाला था अपने पास जब तक अपने पास एडिसन साहब थे, हाँ। उसके बाद अपने पास मैक्सवेल इस पर बहुत सारा काम किए और अल्टरनेट करंट बनाने की कोशिश कर रहे थे, और अल्टरनेट करंट देने का देन उन्हीं का है अपने पास। तो इसका एक लंबी स्टोरी है, कभी मौका मिलेगा सुनाएंगे आपको हम स्टेटर के दौरान में, अपने पास चैप्टर के दौरान ही कभी ना कभी आपको सुनने को मिल जाएगा। तो फिलहाल आते हैं अभी हम लोग की डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो डायरेक्ट करंट हमको जानना है, देखिए डायरेक्ट करंट में क्या होता है पास कि समय के साथ वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, इसलिए डायरेक्ट करंट कहा जाता है। समय के साथ अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, तो हम बोल सकते हैं अपने पास द इलेक्ट्रिक करंट विच डज नॉट चेंज its direction with respect to time is called direct current। मतलब कि समय के साथ ही अपना दिशा नहीं बदलता है। ओके, सीधा याद रखना है अपने पास कि समय के साथ जो अपनी डायरेक्शन ना चेंज करे उसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट। इसको डिपेंड करते हैं हम लोग डीसी से। ओके, ये हो गया आपके पास डायरेक्ट करंट की कहानी। बस इसका उल्टा मार देना है अपने पास तो हो जाएगा अल्टरनेट करंट अपने पास। क्या बोलेंगे, द करंट या द इलेक्ट्रिक करंट अपने पास, जो बोल सकते हैं आप। इस बार ये चेंज नहीं कर रहा था, ये चेंज करेगा। द करेंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेट करेंट। ओके, तो इसमें एक ही बात रखना है पास, डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, इसमें चेंज इट्स डायरेक्शन, बस दोनों का खेल खत्म। दोनों में डिफरेंस जानना जरूरी है क्योंकि ठीक ठाक सवाल आ सकते हैं इस पे आपको, डिफरेंस पे या फिर दोनों पे किसी ना किसी माध्यम से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम ये देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और अल्टरनेट करेंट। डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी,
तो डिफरेंस लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पार्टीशन बना दीजिए, हाँ, इस साइड और उस साइड। इधर लिख रहे हैं हम लोग डीसी, इधर लिख रहा हूं मैं एसी। सबसे पहला पॉइंट बनेगा इसका डेफिनेशन से, ओके, जो हम लिखे हुए। पहला पॉइंट क्या बनेगा मेरे पास, इसका डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिक करेंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डायरेक्ट करेंट। इसमें फिर हम इसका ले देंगे डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिक करेंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेट करेंट। पहला पॉइंट होगा यहाँ पास डेफिनेशन के साथ, ओके। तो अब इसका जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर हम ग्राफ देखना चाहें इसका, ये हो गया टाइम का ग्राफ, ये हो गया करंट का ग्राफ, ओके। तो इसमें देखिए मेरे पास क्या हो रहा है, इसका अपने पास चेंज नहीं करेगा, प्लस है तो प्लस 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 रहेगा, और भी ग्राफ बन सकता है इसका इस तरह से। ये टाइम है, टाइम बदल रहा है अपने पास, मगर ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, जो है ना कि प्लस की तरफ ही रह सकता है, माइनस की तरफ ही रह सकता है, अपने पास डायरेक्शन अपने पास चेंज नहीं कर रहा है। इसमें माइनस 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 है, इसमें प्लस 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 है, इसमें प्लस 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 है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, समय बढ़ रहा है मगर डायरेक्शन उसका सेम टू सेम ही है, मतलब कि चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है, डायरेक्ट करंट है। इसमें देखेंगे दूसरा पॉइंट हम ग्राफ के थ्रू, तो क्या करेगा मेरे पास, समय के साथ क्या है, समय बढ़ेगा डायरेक्शन चेंज करेगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और देख सकते हैं हम लोग प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके। तो ये आपके पास क्या है, समय के साथ डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टरनेट करंट। सवाल उठता है कि फिर मिलता कहां से हमको ये दोनों, अपने पास करंट कहां कहां से मिलता है, सोर्स क्या है इसका। तो ये अपने पास प्राप्त होता है, हम लोग कहां से फाइंड करते हैं इसको, हम लोग बैटरी से, सेल से, हाँ, कहां से फाइंड करेंगे इसको हम लोग, इट इज फाउंड बाय सेल और बैटरी। ये कहां से मिलेगा हमको, ये मिलेगा हमको डायनमो से, कहां से, डायनमो से। इट इज फाउंड बाय डायनमो, कहां से मिलेगा हमको, डायनमो से मिलता है। अगला हम देखना चाहें अगर हम लोग, तो ये अपने पास बैटरी का जो होता है करंट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता है, दूर तक नहीं ले आ सकते हैं इसको हम लोग, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, इट डज नॉट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस। अगर ऐसा होता कि हम बैटरी से बहुत दूर तक ले आते करंट, तो अपने यहां रखे ननेला में पहुंचाते करंट को हम लोग, मगर पहुंचा पाते हैं नहीं, ठीक, मगर इसको हम ले आ सकते हैं, इसको हम लोग जहां तक जहां है वहां तक रहते हैं, पावर के हिसाब से, पावर हाउस कहां रहता है, हमारा घर कहां रहता है, आ जाता है करंट कि नहीं आता है, तो वो अपने पास क्या होता है, अल्टरनेट करंट होता है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, इट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, इट ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस। अगर हम लोग और चाहें इसके बारे में एक लाइन और लिख सकते हैं लोग, चार पॉइंट हो चुके हैं हमारे पास, पांचवा पॉइंट देखिए, बैटरी से कभी सुने हैं कि बैटरी से करंट कोई मर गया है, नहीं, क्योंकि ये डेंजर नहीं होता है। तुम बोलेंगे अपने पास, इट इज लेस डेंजरस, मगर कई बार सुने हैं आपके, हाँ, यहां करंट लग गया, पोल पे लग गया, मर गया लोग, तो ये होता है डेंजरस, इट इज हाई डेंजरस। तो ये होंगे पांच डिफरेंस आपके पास
डीसी और एसी में। अगर ये पांच डिफरेंस आपको याद है तो अगर आप ये पांच नंबर में आए चाहे दो नंबर में आए अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, बहुत ही आसान है, पांच पॉइंट आराम से याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए तो हम लोग ये डिफरेंस पढ़ें और हम लोग जानेंगे कि करंट का कितना वैल्यू होता है। हाँ, जिसमें हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास। हाँ, पास नंबरी क्वेश्चन आ सकता है इससे आपके पास एग्जाम में, तो इसको देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए हम लोग गुड बाय, और वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए जितना हो सके उतना, क्योंकि हम लोग चार महीने में करने वाले हैं सिलेबस। और भले ही अभी शुरुआत स्लो है मगर भोकाल मचेगा। हाँ, इंतजार कीजिए।